हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, देश की लीडिंग स्टील पाइप कंपनी जिसके पास 5000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर हैं, जून 2022 से लेकर अभी तक 126% का रिटर्न सिर्फ 6 महीनों में। इस रैली को देखकर हमारे रिटेल भाई की लगातार क्वेरी आई, कैसी कंपनी है, क्यों बढ़ रहा है, कितना ऊपर जाएगा। और आप पूछें और हम वीडियो ना बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाईटेक पाइप की। 1000 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है, तो हम लोग पहले इसका बिजनेस समझेंगे, फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के प्लस और माइनस स्कोर के मदद से देखेंगे कि ज़्यादा प्लस है या ज़्यादा माइनस है, और इन सब के आधार पर हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ये लर्निंग के लिए है, इन्वेस्टमेंट की कोई एडवाइस नहीं है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, पहले कंपनी को बिजनेस मॉडल से समझते हैं। आप लोग बहुत परेशान हैं कि सर रात के 8:30 के शो में आजकल सिर्फ आप कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं, स्टॉक के लेवल नहीं दे रहे हैं। तो दोस्त, वो अब मिल रहा है टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, रोज पैसे कमाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी सब फर्जी है, बहुत सारी टेलीग्राम मेरे नाम से बिटकॉइन, ये क्वाइन, वो क्वाइन और पता नहीं क्या क्या। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ वही ओरिजिनल है, बाकी सब फर्जी है, याद रखिएगा। उससे पहले बता दूं कि 25 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है स्टॉक मार्केट का मास्टर क्लास, जहां बहुत कुछ हमने नया किया है। और पहली बार हम ला रहे हैं एक स्ट्रेटजी जिसमें 8% से ज़्यादा रिटर्न आपको एक ट्रेड में मिलेगा। उसके अलावा क्रिसमस का महाधमाका ऑफर जो साल में आता है, आपके कमाने का हमने इंतज़ाम किया है, हैंड होल्डिंग का इंतज़ाम किया है, रिवीजन सेशन का इंतज़ाम किया है। आप बिजनेसमैन जॉब वाले पर्सन हैं, पूरा दिन मार्केट नहीं देख सकते हैं, तो कैसे आप एक घंटे में ही कमा कर बाहर निकल जाएंगे, उसका इंतज़ाम किया है। तो हर वो चीज़ मिलेगी जिससे कोई भी सीख सकता है। तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अपने नॉलेज पर कीजिए, जिससे उस नॉलेज का फ़ायदा लेकर स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे बनते हैं वो आप समझ पाएंगे। क्योंकि NSE का डेटा साफ कहता है कि मैक्सिमम लोगों का लॉस बिना किसी नॉलेज के ट्रेड के कारण होता है, लोगों के टिप्स के कारण होता है। तो दोस्त, आप भी ये चीज़ अच्छे तरीके से जानते हो कि टिप्स के कारण आपको नुकसान हो रहा है। तो इस नए साल की शुरुआत एक नए तरीके से सीख कर समझ कर कीजिए, जिससे स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सके। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। थैंक यू। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल पे आते हैं। हाईटेक पाइप्स स्टील ट्यूब्स पाइप्स मैन्युफैक्चर है, 5000 से ज़्यादा रिटेल नेटवर्क है, साथ में लीडिंग पाइप कंपनी में आती है। इसके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं कई तरह के इंडस्ट्री में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, डिफेंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, एयरपोर्ट, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स। क्लाइंट बेस को देखें तो गेल इंडिया, अदानी ग्रुप, पावर ग्रिड, भेल, टाटा प्रोजेक्ट, NTPC, DLF, अशोक लेलैंड, L&T जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट हैं। कंपनी का ब्रांड पोर्टफोलियो देखते हैं तो अल शक्ति, ऑर्गेनिक शक्ति, केसवेल, फ्लैटमैक्स, फायर फाइटर, बाहुबली, प्री गेल, क्रैश गार्ड इनके ब्रांड हैं। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 400 डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर हैं, 100 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर कस्टमर हैं पैन इंडिया में। अगर लोकेशन वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो 85% रेवेन्यू नन साउथ जोन से आता है और 15% साउथ इंडिया से आता है। कंपनी लगातार डीलर, डिस्ट्रीब्यूशन, आर्किटेक्ट से कनेक्ट में लगी हुई है साउथ इंडियन रीजन में। क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसलिए इनका कैपेसिटी भी देखना ज़रूरी है। तो कंपनी की टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सिकंदराबाद UP, सनद गुजरात, हिंदूपुर AP, कोपोली महाराष्ट्र, इन सभी लोकेशन पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसकी कंबाइंड कैपेसिटी है 580,000 मिलियन टन पर एनम। आगे एक्सपेंशन का प्लान है, वो कलर कोटेड लाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, एनुअल कैपेसिटी 50,000 मिलियन टन पर एनम के साथ। कलर कोटेड रूफिंग सीट कंपनी के लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में से एक होगा, जिसे कंपनी की कैपेसिटी अच्छे से यूटिलाइज होगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसी के साथ कंपनी लार्ज डाया पाइप का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है, उसमें भी लगी हुई है। तो अब तक हम कंपनी के बिजनेस को समझे, रेवेन्यू सेगमेंट को समझे, कैपेसिटी को समझे, न्यू एक्विजिशन को समझे, अब टाइम है मार्किंग का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को प्लस और माइनस के तौर पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाद में आप भूल जाएंगे। तो ज़्यादा प्लस पॉइंट आया तो कंपनी अच्छी मानी जाएगी, ज़्यादा माइनस आया तो अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो ROE है 17.6%, 5 ईयर का एवरेज ROE है 16.7%, एवरेज से ऊपर है इसलिए पॉजिटिव है, पर यहाँ मिलेगा +1।
ROCE 15.7% है, 5 ईयर का एवरेज ROCE है 15.1, एवरेज के बराबर है, इसलिए निगेटिव तो नहीं कह सकते, ठीक है, तो पॉजिटिव इसलिए प्लस वन दे देते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो देखते हैं, तो डेट टू इक्विटी है 1.21, डेट ज़्यादा है इसलिए निगेटिव माइनस वन। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2.18, जो कि थोड़ा सही नहीं है, एटलीस्ट 3 होना चाहिए, तो माइनस वन। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ देखें तो 29.9 है, जो कि पॉजिटिव है इसलिए प्लस वन। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो -7.86% है, जो कि निगेटिव है, तो अगेन माइनस वन। अब तक हमारे पास 3 प्लस है, 3 माइनस है, मतलब टाई हो चुका है। वैल्यूएशन रेशियो देखें तो PEG रेशियो 0.92 है, अंडर प्राइस इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इस वैल्यू जो वैल्यू मैट्रिक्स है इस पर 1 मिलेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 3.89 है, ये ओवर प्राइस इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये हेवी एसेट बेस्ड बिजनेस है, इसलिए बुक वैल्यू के जितना नज़दीक होगा उतना अच्छा रहेगा, इसलिए वैल्यू जो वैल्यू मैट्रिक्स पे यहाँ पर माइनस वन मिलेगा। इसी के साथ रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 5.89% है, जो कि इंडस्ट्री में 2 लोएस्ट है, तो अगेन निगेटिव पॉइंट, तो माइनस वन। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखें तो कंपनी 415 करोड़ फंड रेज करने वाला है अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो प्लस वन। अब करते हैं टोटल स्कोर काउंट, तो पहले थे 3 प्लस 3 माइनस, टाई हो गया। इसके बाद 2 प्लस 1 और 2 माइनस मिला तो 1 मिला, यानी कि फिर से टाई हो गया, तो मतलब क्या है, कन्फ्यूजन है। तो अब कंपनी के बिजनेस मॉडल, परफॉर्मेंस सब कुछ समझ चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे कि अगर फाइनेंशियल लेवल पे हम देख रहे हैं तो वो लेवल पर क्या कहानी है। तो फाइनेंशियल लेवल पर कहानी है कि भैया टाई है, मतलब आप ये नहीं है कि आँख बंद कर सकते हैं, तो आँख बंद करके कहानी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर नज़र रखिए, टेक्निकल लेवल पर गेम करिए, टेक्निकल लेवल पे गेम करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके अलावा मुझे कुछ और एक्स्ट्रा लगता नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।